टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो अपने कैसे ज्ञात करेंगे। लेकिन सभी बच्चों को पता है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला डायरेक्ट सभी को याद होता है। जैसे अगर सम चतुर्भुज की बात करें और समांतर चतुर्भुज की बात करें, समलंब चतुर्भुज की बात करें और सिंपल चतुर्भुज की बात, वो सभी को अपने फॉर्मूले मोस्टली सभी बच्चों को आते हैं। लेकिन आज मैं थोड़ा सा आपको अलग तरीके से लेके आया चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना सिखाऊंगी। तो इसलिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको समय समय पर मेरे नोटिफिकेशन है मिलते रहे। तो आज अपने स्टार्ट करेंगे वो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे मैंने एक चतुर्भुज बनाया है ए बी सी एंड डी, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा रख कर देती हूँ। भुजा दी हुई है 5, 7, 5 और 7 और बीच में एक विकर्ण दिया हुआ 6। अगर आप जो समलंब चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है या सिंपल चतुर्भुज है उनका क्षेत्रफल ज्ञात करूँ तो ये जो चित्र है इस चित्र से उनके क्षेत्रफल नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं सम चतुर्भुज की बात करूँ तो विकर्णों का गुणनफल होता है 1/2 विकर्ण, इसमें 1 दिया है तो वो तो संभव नहीं है। अगर मैं समांतर चतुर्भुज की बात करूँ, समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी दी नहीं, बीच की जो दूरी होती है वो हमेशा 90 डिग्री कोण पर होती है, वो भी संभव नहीं है। और अगर मैं समलंब चतुर्भुज की बात करूँ तो समलंब चतुर्भुज भी इसमें नहीं निकल सकता, ठीक है। अब बात करते हैं अब इसको अपने कैसे निकालेंगे। तो इसमें मैंने यहाँ पे त्रिभुज बनाया है ए बी सी और डी, त्रिभुज बनाया है। इसको मैंने दो त्रिभुजों में डिवाइड कर दिया। तो उसको अपने कैसे करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी, तो मेरे साथ अंत तक वीडियो में जुड़े रहना। अब देखो ये त्रिभुज है ए बी सी एंड डी, त्रिभुज में बात करूँ ए बी और डी, कौन सा है ए बी डी, ये फर्स्ट त्रिभुज है। इसको मैं कैसे ज्ञात करूँगी आज अपने जो करेंगे वो करेंगे हीरोन के सूत्र से चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो कैसे ज्ञात करते हैं। आपने हीरोन का सूत्र पढ़ा होगा, उससे आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा है। लेकिन आपको मैं जो सिखाऊंगी वो कराऊंगी चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो कैसे करेंगे। अब इस जो चतुर्भुज है इसको मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, दो त्रिभुज बना दिए अपने ने। तो उसको अपने कैसे करेंगे, अब देखो ये त्रिभुज है इसमें, अब देखो ए भुजा कौन सी है, ए भुजा कौन सी है 6, बी भुजा कितनी है 7 है और सी भुजा कितनी है 5 है। मतलब मैंने 3 भुजा ली इसमें ए बी डी, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले अपने निकालते हैं एस, एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, बी प्लस सी बटे 2, ए का मान 6, 7 प्लस 5 बटे 2 कितना हुआ 13, 13 में क्या 18 बटे 2 यानी कितना हुआ 9, यानी अर्ध परिमाप कितना हो गया 9। अब अपने निकालेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस कितना है अपना 9, 9 में से ए गया 6, 9 में से बी गया 7 और 9 में से सी गया 5, ठीक है। अब देखो 9 है, 9 में से 6 गया कितना बचा 3, 9 में से गया 2 इंटू 9 में से गया 4। अब देखो इसमें 9 का कितना बार आ गया 3, 4 का कितना बार आया 2, ये बार आएगा ना 6, तो कितना हुआ 6√6 आ गया। किसका, ए बी डी का क्षेत्रफल, यानी ए बी डी का क्षेत्रफल अलग है 6√6, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ किसकी, बी सी एंड डी, ठीक है, भुजा ए कितनी है 6, बी कितनी है 5 है, सॉरी 7 है और सी कितनी है 5 है, यानी ये भुजा और ये भुजा सेम है, सेम है तो क्षेत्रफल भी सेम आएगा। इसका मतलब बी सी डी का क्षेत्रफल है 6√6। अब ये त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी डी, इसमें त्रिभुज ए बी डी और प्लस बी सी डी है, दोनों का कितना है 6√6 और यहाँ पे भी कितना है 6√6, तो कितना आ गया अपना टोटल कितना हो गया 12√6 सेंटीमीटर की स्केयर, क्योंकि भुजाएं अगर सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल है वो सेंटीमीटर की स्केयर है, ठीक है बच्चों। तो इसकी सहायता से हीरोन के सूत्र की सहायता से अपने चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अपने चतुर्भुज के दो त्रिभुज बना लेंगे उनका अलग अलग क्षेत्रफल। अब तो इसमें तो भुजाएं समान थी तो इसलिए मेरे को अलग अलग करने की जरूरत नहीं थी। अगर भुजाएं अलग अलग है तो दोनों का चतुर्भुज क्षेत्रफल निकाल के दोनों को जोड़ देंगे तो अपना टोटल आ जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। तो इस हिसाब से ये जो टॉपिक है वो अपना कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।